नाउ अब आपका ये क्वेश्चन आएगा, ये आपके पास सर्किट गिवन है, ये पहला पोर्ट है, दिस इज द फर्स्ट पोर्ट एंड दिस इज द सेकंड पोर्ट. सो टू पोर्ट आपको दिख रहा होगा. सो दैट मींस जो हम अभी तक ब्लॉक में दिखाते थे वो ये है, ठीक है. ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका नेटवर्क है, ठीक है. ये आपका फर्स्ट पोर्ट है, पोर्ट नंबर वन. ये आपका सेकेंड पोर्ट है, ठीक है. सो आपको जेड एंड वाई पैरामीटर आपको निकालने हैं, ठीक है भैया. सो आप क्या करें, सबसे पहले जो नोटेशन है उसी हिसाब से लिख लें. सो इस नोटेशन को आप बोलते थे वी वन, और यहाँ से निकलने वाला जो करंट है जो नेटवर्क में एंटर करेगा वो आई वन होता था. ऐसे ही आप यहाँ करंट ले ले आई टू, एंड जो ये वोल्टेज होगा ये होगा आपका वी टू, ठीक है. नाउ ये करंट इधर जाएगा, ये करंट आई टू इधर आएगा. आई वन आई टू इधर से आ रहे हैं, तो इसमें कितना करंट फ्लो करेगा, I1 प्लस I2, ठीक है भैया. नाउ अब भैया इस लूप में एक आप लगाएं और इस लूप में आप KVL लगाएं, ठीक है. सो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और करंट इधर से आ रही है तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है भैया. सो V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू टू, दैट मीन्स 2I1 प्लस 4 इंटू आई वन प्लस आई टू होगा. एंड वी टू इज इक्वल्स टू दिस वोल्टेज यानी कि 6 आई टू प्लस 4 आई वन प्लस आई टू होगा, ठीक है. सो 2I1 प्लस 4 आई वन कितना हो जाएगा आपका 6I1, ठीक है. एंड 6I2 प्लस 4I2 कितना हो जाएगा 10I2, ठीक है भैया. बट ये I1 पहले आपको लिखना होगा. सो ये आप 4I1 प्लस 10I2 आप लिख दें. अब आप देखें V1 V2 एज अ फंक्शन ऑफ I1 I2, यानी कि ये जो कोफिशियंट हैं वो क्या होंगे, Z11 Z12 Z21 Z21 Z22, दैट मीन्स 6 4 4 10, ये आपके Z पैरामीटर होंगे, ठीक है. नाउ अब आपको क्या करना है, वाई पैरामीटर निकालने हैं. सो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग वाई पैरामीटर फ्रॉम द सर्किट, आप क्या करें, वाई पैरामीटर को कैसे निकाल लें, जेड मैट्रिक्स का इन्वर्स कर दें, ठीक है. अब जेड मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं. किस तरह से, ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं उसको इंटरचेंज कर दें, 10 और 6, इनको एज इट इज रख के माइनस साइन लगा दें, फिर 1/डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ जेड, दैट मीन्स 60 माइनस 16, दैट मीन्स 44. सो ये 44 अंदर चला जाएगा, ठीक है. सो ये आपका होगा Y11, ये होगा Y12, ये होगा Y21, ये होगा Y22. सो भैया जेड पैरामीटर निकल गए, वाई पैरामीटर भी आपके निकल गए, ठीक है. अब हम निकालते हैं Z एंड Y पैरामीटर, जब आपके निकल गए अब आपको निकालना है H पैरामीटर, ठीक है. सो H पैरामीटर देखते हैं किस तरह से आएगा. तो H पैरामीटर में सबसे पहले आप लिख लें कि क्या होता है. सो यहाँ इक्वेशन क्या होती है, V1 एंड वोल्टेज लिया और करंट दूसरे पोर्ट का लेना होता है, ठीक है. अब वोल्टेज ले लिया तो आप सबसे पहले करंट लें, फिर उसके बाद करंट ले लिया तो वोल्टेज लें. अब करंट है भैया तो ये अब तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें V2, ठीक है. ये होगा आपका H11, ये होगा H12, ये होगा H21 और ये होगा H22. दैट मींस आप यहाँ पे देखें कि V1 एज अ फंक्शन ऑफ I1 I2 आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है. बट मुझे इक्वेशन में V1 एज अ फंक्शन ऑफ I1 तो चाहिए, बट मुझे I2 नहीं चाहिए, मुझे I2 नहीं चाहिए, मुझे एज अ फंक्शन ऑफ V2 चाहिए. दैट मीन्स मुझे इस इक्वेशन से I2 को एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक है भैया. सो I2 को एलिमिनेट करना है. सो किस तरह से भैया करेंगे, इस इक्वेशन में I2 को हटाना है, ठीक है. I2 को कैसे हटाएंगे भैया, I2 को यहाँ से हटाएंगे, दूसरी इक्वेशन से. सो यहाँ से I2 को क्या सब्सटीट्यूट करें वो निकाल लें. सो 10I2 इज इक्वल्स टू V2 माइनस 4I1 डिवाइडेड बाय 10.
सो आई टू आपने यहाँ से निकाल लिया। अब आई टू इन टर्म्स ऑफ वी टू एंड आई वन आपने निकाल लिया, ठीक है। सो आई टू इसमें पुट कर दें, सो आई टू एलिमिनेट हो जाएगा बस, ठीक है। सो वी वन इज इक्वल्स टू 6 I1 प्लस 4 इंटू आई टू वी टू माइनस 4 I1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है भैया। सो अब आपका जो आएगा आंसर वो क्या होगा, वी वन इज इक्वल्स टू 4.4 I1 प्लस 0.4 V2। अब वी वन की इक्वेशन में, वी वन एज अ फंक्शन ऑफ आई वन, वी टू की इक्वेशन में जो आई वन का कोफिशियंट होता है वो क्या होता है, H11, और ये जो कोफिशियंट होता है वो H12 होता है, ठीक है। सो H11 एंड H12 आपका आ गया, ठीक है। नाउ बचा आपका ये वाला इक्वेशन, ठीक है। आई टू एज अ फंक्शन ऑफ आई वन एंड वी टू आपको चाहिए, ठीक है। सो आप देखें यहाँ से कि भैया आई टू एज अ फंक्शन ऑफ आई वन एंड वी टू चाहिए। सो आई वन है बट वी टू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखें आई टू एज अ फंक्शन ऑफ आई वन एंड वी टू आपको यहीं से मिल सकता है, किस तरह से, 10 I2 इज इक्वल्स टू वी टू माइनस 4 I1, ठीक है। या फिर इस तरह से देख लें, आई टू एज अ फंक्शन ऑफ वी टू एंड आई वन यहीं से आपको मिल जाएगा। सो हो जाएगा 0.1 V2 माइनस 0.4 I1, बट आपको उल्टा करके लिखना होगा, I1 को पहले लिखना होगा। सो भैया माइनस 0.4 I1 प्लस 0.1 V2। सो I1 का जो कोफिशियंट होगा वो होगा H21 एंड V2 का जो कोफिशियंट होगा वो होगा H22। सो भैया क्या आ गया आपके पास, H पैरामीटर आपके पास आ गए 4.4, 0.4, माइनस 0.4 एंड 0.1, ठीक है। अब आपको अगर G पैरामीटर चाहिए तो किस तरह से आपको करना होगा, 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ H पैरामीटर, ठीक है। G पैरामीटर इज इक्वल्स टू H मैट्रिक्स इनवर्स, इनवर्स आपको इसका निकालना है तो 1 बाय डिटर्मिनेंट लेना होगा इसका, एंड डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें 4.4, एंड इनको इंटरचेंज नहीं करना है, इनको नेगेटिव कर देना है। सो ये माइनस 0.4 हो जाएगा और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। सो भैया ये जी पैरामीटर, सो इस तरह से आपके आ गए। सो भैया आपने क्या देखा, जैसे ही आपके पास जेड पैरामीटर आए, जेड पैरामीटर से आपने इन्वर्स करके वाई पैरामीटर्स निकाल लिए, फिर उसके बाद अगर आपको एच पैरामीटर निकालने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जेड पैरामीटर की एच पैरामीटर अगर आपको निकालने हैं तो फर्स्ट इक्वेशन आपको कैसे मिली, इसकी फर्स्ट इक्वेशन में आपने आई टू को एलिमिनेट कर दिया, कैसे, सेकंड इक्वेशन से, ठीक है भैया। तो आपको एच पैरामीटर की फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। एच पैरामीटर की सेकंड इक्वेशन आपको कैसे मिली, जेड पैरामीटर की सेकंड इक्वेशन को ही रीअरेंज करके आपको एच पैरामीटर की सेकंड इक्वेशन मिल गई, ठीक है। सो आपको सेकंड इक्वेशन के लिए कुछ करना नहीं पड़ा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको आई टू को एलिमिनेट करना पड़ा यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होगा सॉल्व।